मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में बुधवार को कई प्रत्याशियों ने नामांकन दिया है। यह तस्वीरें आपको संग्रहालय परिसर का दिखा रहे हैं। आगे उन्होंने जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, सुनिए। मीनापुर, मीनापुर से किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आएंगे ये? किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? मुद्दे के है कि इसे और जनता के हम विकास करेंगे। पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक, जिला तक काम करते हैं। जनता के विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। 5 साल तक काम किए हैं जनता के। ऐसे हमको अति में है मैं कि जनता के हम जितना मीनापुर में हमारे जितना पहले से भी विधायक रह चुके हैं उसे बीसी हम विकास करने के लिए हम सोच रहे हैं। तो जितना हमारे मीनापुर में विकास हो जाए। किस पार्टी से? निर्दलीय। नाम आपका? आशा देवी। क्या उम्मीदवार? हम पारू विधानसभा से 15 साल से विधायक है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? विकास का मुद्दा है, विकास किए हैं, विकास के मुद्दा पर जाएंगे। कहेंगे काटी विधायक थे, काटी जीत कर आए थे, अब सकरा में जा रहे हैं। सकरा में जाने का मेन उद्देश्य मेरा यही है कि सकरा है रिजर्वेशन है और कांटी है जनरल सीट है। जनरल बट किसी भी अनुसूचित को टिकट मिलना असंभव। सकरा में किन मुद्दों को लेकर? वहाँ जो काम अधूरा रह गया उसको मेरा पहला प्राथमिकता होगा पूरा करना। सकरा बाढ़ से ज्यादातर प्रभावित है। तो बाढ़ प्रभावित अभी भी मुरौल उसका प्रभाव है, तो हम सकरा को और मुरौल ब्लॉक को जितने बाढ़ से प्रभावित थे हम वहाँ के विधायक न होते हुए भी हर पंचायत को 50 से 60 क्विंटल चूड़ा और मीठा बांटने का मैं काम किया। फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसके बारे में क्या करना? विरोधी के काम है फोटो वायरल करना, और मेरा जो काम है काम करते रहना वह 2018 का है। ऐसा वाला जो तस्वीरें है वो 2018 का है। और यह अगले तस्वीरें हैं, किस दौरान का तस्वीर है? वहाँ आदमी जो मर गया था उसमें हम पैसा दिए थे। मैं खासकर किसान हूँ, मैं किसान के ही मुद्दा पर किसानों के बीच जाऊँगा। किस क्षेत्र से है? मीनापुर विधानसभा क्षेत्र। और नाम आपका? मनोज कुमार, जनता दल यू, NDA प्रत्याशी। तक अभी अभी कुछ लोग अति लिया है तो हमने बोला भी है कि मेरा पहला कार्य होगा कि बुर्राज में सौहार्द स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो और विकास के लिए हम अपना तन मन 24 घंटा दिन के 24 घंटा में मात्र 2-4 घंटा आराम करना भी ज़रूरी है, लेकिन बाद बाकी समय बुर्राज के जनता के नाम करेंगे और विकास ऐसा विकास होगा सभी क्षेत्रों में। अब किस किस क्षेत्र का नाम लें अभी बहुत सा। कांटी के इलाके का मुद्दा क्या होगा? कांटी में सबसे बड़ा मुद्दा है आतंक, भय और भ्रष्टाचार, और विकास उसकी भेंट चढ़ चुका है, भ्रष्टाचार उसको दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। कांटी की जनता हमेशा जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, भरोसा तो करती है नेताओं पर, वोट देती है, लेकिन वोट देने के बाद जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ मैं किसी व्यक्ति पर लांछना नहीं लगाना चाहता हूँ, न किसी नेता पर लांछना लगाना चाहता हूँ, लेकिन जनता सर्वोपरि है, उसका निर्णय सर्वोपरि है, और वो जो सोचती है वो सोच उसका सकारात्मक है। हम लोग नकारात्मक हो सकते हैं, जनता नकारात्मक नहीं। काटी NTPC जो चलता है उससे जो धुआं उठता है, उससे जो पॉल्यूशन है, उस वजह से काफी लोगों का प्लान हो चुका है। मैंने बोला है कि प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ। अभी इन लोगों को मैं बोला हूँ कि प्राथमिकता हमारी होगी उस प्रदूषण को दूर करने का, और कैसे दूर किया जाए इस पर मैं मुद्दा उठाऊंगा और सरकार से प्रार्थना। एक मुद्दा और है कि 15 वर्षों तक पिछली सरकार भी गलती रही। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपने नामांकन किया, आपके सामने NDA के प्रत्याशी भी होंगे और अन्य गठबंधनों के प्रत्याशी भी होंगे, कहाँ देख रहे हैं आप? मैं बस अपने आप को देखता हूँ कि हमारे पास, मैं योजनाबद्ध तरीके से आया हूँ, जो मैनेजमेंट का तरीका कंपनी पीपल पार्टनरशिप हमारा हथियार है, और हथियार और बिना हथियार आप समझ सकते हैं कि क्या मुकाबला होता है। विकास का हथियार कंपनी पीपल पार्टनरशिप है हमारे पास, बस इसी के बल पे हम लोग आगे आ रहे हैं और हमें समर्थन भी मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण पुष्कर।